हेलो गाइस, वेलकम बैक टू NIL लाइव। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शैडो विक्ट्री बेल के बारे में। ये कितना बल्की है ग्रेट लीग में और क्या मूव सेट्स है, सब के बारे में बात करेंगे और सारी कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो मेरे पास जो शैडो विक्ट्री बेल है, इसके पास रेजर लीफ है, लीफ ब्लेड और स्लज बॉम है। मैंने फ्रस्ट्रेशन हटा दिया था इवेंट में, और मेरे पास जो विगरोथ है उसके पास काउंटर है, बॉडी स्लैम और बुलडोज है। और जो अल्टारी है उसके पास ड्रैगन ब्रेथ, ड्रैगन पल्स और स्काई अटैक है। तो मैं बता देता हूँ, जो विक्ट्री वेल है ये जो वाटर टाइप है काफ़ी ज़्यादा डैमेज देती है, और जो इसका वीकनेस है वो मेनली फ्लाइंग टाइप एंड फायर टाइप है और थोड़ा बहुत साइकिक भी। तो मुझे मेनली अल्टारिया और स्कारमोरी से बच के रहना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ओपोनेंट्स रहते हैं वही लाते हैं, बट अगर वाटर टाइप आता है तो ये अकेले ही निपट लेता वो सबसे। इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितना टैंकी है ग्रेट लीग में। हम एक कंप्लीट सेट खेलेंगे पूरा 5 मैच के, और देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस के बारे में। और हमारे चैनल में अभी एक्टिव गिव अवे चल रहा है शाइनी मॉन्स के, और हर वीक हम एक्टिव गिव अवे करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना बैटल स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा ओपोनेंट था ऑलमाइटी नीब्स करके नाम था इनका, जो भी नाम था। तो इसमें मैंने हमेशा की तरह विगरोथ को लीड में रखा और मेरे ओपोनेंट ने अलोन मेरोविक को रखा। तो मैं जल्द से जल्द ट्राई कर रहा था एक बॉडी स्लैम का, कि अगर एटलीस्ट ये सील डाउन कर दे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा हमारे लिए। बॉडी स्लैम नहीं किया और शील्ड उन्होंने सेव किया, और जब उन्होंने अटैक किया प्रोबेबल शेडो बॉल होना चाहिए था, जो कि उतना इफेक्टिव नहीं है हमारे विगरोथ के लिए। फिर मैंने सोचा कि कुछ फार्म किया जाए, उसके बाद मैंने बुलडोज किया। मैंने मुझे लगा था कि वो फिर से शील्ड वेट नहीं करेगा, और ऐसा ही हुआ। और इसी तरह से उसने अपना मैरोवेक जो लूज़ किया, बट जाने से पहले उसने एक बार फिर से चार्ज अटैक किया शेडो बॉल, बट ये कुछ नहीं कर पाया हमारे। हमारे पास थोड़ा बहुत फार्म कर लिया हमने एनर्जी, और राजू है मैंने क्विकली चेंज किया उसे विक्ट्री बेल में। आप देख सकते हैं ये कितना डैमेज दे रहा है, और ये मेरा मेन पोकेमोन, इसलिए मुझे इसे शील्ड करना पड़ा और पूरा ये डाउन कर गया राइचू को। अल्टारिया है तो अल्टारिया ये थोड़ा वीक है, तो मैं जस्ट चाहता था कि एटलीस्ट ये शील्ड यूज़ कर ले, और हमारे पास एक शील्ड एडवांटेज हो। इसने शील्ड यूज़ किया, फिर से हम ट्राई कर रहे थे एटलीस्ट जितना भी डैमेज हो सके। उन्होंने अटैक किया, अब इसका अटैक हमें सेव करने से कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक अल्टारिया भी था और फुल्ली चार्ज विगरोथ भी। तो उन्होंने बुलडोज यूज़ किया और फिर उन्होंने इसे शील्ड किया। तो काफ़ी बढ़िया सिचुएशन है हमारे लिए, अभी भी हम लीड में हैं विद एडवांटेज ऑफ वन शील्ड। तो अभी अल्टारिया वर्सेस अल्टारिया, और उसका ऑलमोस्ट डैमेज है। मैंने रिस्क ना लेते हुए इसमें अपने अल्टारिया को शील्ड किया, और बस हमें एक स्काई अटैक चाहिए, फिर हम ये राउंड अपने नाम कर सकेंगे। तो इस तरह से हमने जो अपना पहला मैच था वो जीत लिया, और दूसरा मैच में जो थे हमारे M13 करके थे जो भी हमारे ओपोनेंट थे, और इन्होंने स्नोरलैक्स लाया था लीड पे, और विगरोथ ये काफ़ी बराबरी का राउंड होता अगर होता तो, बट इन्होंने क्विक स्वैप किया और हरियामा को लाया। हमने एक बॉडी स्लैम दिया ताकि ये न्यूट्रल डैमेज कुछ कर सके, बट ये थोड़ा बहुत इफेक्टिव था। और उसके बाद हमने अल्टारिया को लाया, प्रोबेबली पावर ऑफ पंच की हम वेट कर रहे थे, और पावर ऑफ पंच के अलावा यहाँ डायनेमिक पंच मिला तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया ये। और हमारे पास अभी स्काई अटैक बचा हुआ, तो हमने ग्रेवलर पे यूज़ किया, जो कि बिल्कुल भी एक हमारे लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है। ग्रेवलर रॉक टाइप है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अल्टारिया के जाने से पहले एटलीस्ट एक स्काई अटैक मिल जाए, बट नहीं मिल पाया। उसके बाद हमने फाइटिंग टाइप अपना विगरोथ को लाए, काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे रहा था, बट हमें इसे सेव करना था जब हमारे पास इतने शील्ड थे, तो हमने इसे शील्ड किया और फार्म करते हुए हम अपने स्नोलैक्स के ऊपर आ गए वापस। फिर विक्ट्री बेल ने तो इसे खुद अकेले ही निपट लिया। हम वेट कर रहे थे इसका बॉडी स्लैम का, बट ये काफ़ी लेट आया, और तब तक हमें अपना लीफ ब्लेड यूज़ कर चुका था। हम शील्ड यूज़ किया, बट कोई फ़ायदा नहीं, हमारे पास एक शील्ड था। तो मैंने सोचा कि शील्ड कर लेता हूँ
ज़्यादा रिस्क नहीं लेके, और वैसा ही हुआ, इन्होंने डबल बॉडी स्लैम दिया, बट ये इतना इनफ नहीं था हमारे गिराने के, एक एचपी ने हमें गिरा दिया। थर्ड मैच जो था वो था केरा गुजर करके कुछ था उनका नाम, उन्होंने लीड पे लाया था रायचू, और हमारे विगोरत एज यूजुअल, मैं जस्ट चाहता था कि वो स्वैप करे और मुझे जो उनका सेकंड पोकेमॉन मिल जाए, उन्होंने स्वैप अभी तक नहीं किया था। हमने एक बॉडी स्लैम यूज़ किया, उन्होंने शील्ड किया, जब जैसे स्वैप किया हेराक्रॉस, और यहाँ पर मेरे सबसे बड़ी गलती कर दी विक्ट्री बेल ला के, हेराक्रॉस एक ग्रास टाइप पोकेमॉन, मुझे अल्टारिया लाना चाहिए था, बट मैंने काफ़ी बड़ी गलती कर दी, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा मेरे को यहाँ पे। और फिर मैंने दोबारा से जब आया तो अल्टारिया ले लिया, रिमेंबर हमने यहाँ पे विक्ट्री बेल लूज़ कर दिया हमें, और हम यहाँ पे शील्ड नहीं कर रहे थे क्लोज कॉम्बैट की वजह से, काफ़ी था हमारे पास, अभी भी डबल शील्ड एडवांटेज है। और उनका जो फर्स्ट पोकेमॉन था रायचू, उन्होंने फिर से यूज़ किया, हमें शील्ड यूज़ करना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास दो शील्ड थे, ग्रास नॉट स्काई अटैक हमने यूज़ किया फिर से, अगर वो शील्ड करते हैं तो थोड़ा बहुत एडवांटेज में आ जाएंगे, बट जैसे उन्होंने शील्ड किया हमने अपना विगरथ को चूज़ किया, और बॉडी स्लैम हमारे ऑलमोस्ट चार्ज था, तो हमने फिर से बॉडी स्लैम यूज़ किया, और ये रैच को गिराने के लिए काफ़ी था। और जो लास्ट मॉन्स था वो था इनका हिप्नो, हिप्नो थोड़ा बहुत डैमेज दे सकता था हमें, बट विगरथ जाने से पहले एक बॉडी स्लैम दे के जा चुका था, वो हमारे थोड़ा सा काम आ गया। हमारे पास अभी भी एक शील्ड एडवांटेज है और हमारे पास अल्टारिया है, देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। और जस्ट थोड़ा हमारे अटैक से पहले उन्होंने साइकिक यूज़ किया और हमने उसे शील्ड कर लिया, हमारे पास अभी एक स्काई अटैक है जो कि काफ़ी होगा इस हिप्नो को उड़ाने के लिए। और इसी तरह हमने अपना सेकंड मैच भी हमारे नाम किया, तो देखा अपने दोस्तों कि आप लीड में मैं हमेशा विगोरोथ लेके जा रहा हूँ, और सेकंड में मेरा विक्ट्री बेल रहता है, और एक क्विक और सेफ स्वैप के लिए हमारे पास अल्टारिया हमेशा रहता है। थर्ड मैच के लिए हमारे पास थे आईक्यू वॉयलेट करके एक ओपन, तो इन्होंने अपना लीड में लाया मेलमेटल जो कि थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता था मुझे, और मैंने बॉडी स्लैम पे क्लिक तो किया था, बट ये 90 क्या कह सकूँ, उन्होंने रॉक स्लाइड किया, काफ़ी अच्छा खासा डैमेज किया, फिर मेरा बॉडी स्लैम आया, मैंने बॉडी स्लैम तो किया और उन्होंने इसे शील्ड नहीं किया, बट मेलमेटल के जाने से पहले उसने एक और रॉक स्लाइड यूज़ किया, मैंने उसे शील्ड किया, और मेरे पास बॉडी स्लैम था तो मैंने उसे फार्म करना सोचा और वेट किया उसके सेकंड पोकेमॉन की, और उसने सेकंड में अजुमरिल लिया जो कि हमारे विक्ट्री बेल के लिए काफ़ी बढ़िया सिचुएशन था, उसने हाफ डैमेज कर दिया अजुमरिल की, और प्रोबेबली यहाँ पे आइस बीम होना चाहिए था इसलिए मुझे शील्ड करना पड़ा। आइस बीम हालांकि पूरा डैमेज कर देता है विक्ट्री बेल को, उन्होंने अपना थर्ड मॉन्स लाया, तो थर्ड मॉन्स में हमने लीफ ब्लेड यूज़ किया जो कि था अलोलन मक, उन्होंने शील्ड किया, एक शील्ड एडवांटेज अभी भी उनके पास है और हमारे पास एक भी शील्ड नहीं है, बट दो मॉन्स अभी भी हमारे पास है, डार्क पल यूज़ किया और पूरा ख़त्म हमारा विक्ट्रेल, और हमारे पास फुल चार्ज्ड विगरॉथ था बॉडी स्लैम का, हमने बॉडी स्लैम यूज़ किया और हाफ डैमेज हुआ मक को, एक बार फिर से हमने बॉडी स्लैम यूज़ किया और उन्होंने इसे शील्ड कर लिया। फाइनली जब अल्टारिया आया तो उनके पास एक चार्ज ऑलरेडी स्टैक्ड था, उन्होंने डार्क पल यूज़ किया, थोड़ा बहुत डैमेज दिया उन्होंने, फिर मैंने भी फार्म करना सोचा और एक और डार्क पल्स हमारी और आती हुई, बट थोड़ा बहुत एचपी बचा हुआ था, हमारे पास अभी फुल्ली लोडेड स्काई अटैक था, हमने अजुमरिल पे इसे यूज़ किया और थोड़ा बहुत एचपी बचा हुआ था, जस्ट अराउंड 3-4 एचपी से हमने क्लोज मैच, फोर्थ मैच ड्रैको फील, हमारे ओपोनेंट एज यूजुअल विगोरोथ स्नोलैक्स ओपोनेंट, मैं वेट कर रहा था इनका स्वैप करने, जैसे ही इन्होंने स्वैप किया मैंने एक बॉडी स्लैम यूज़ किया, उन्होंने इसे शील्ड नहीं की, और अल्टारिया मैंने भी लाया फ्लाइंग वर्सेस फ्लाइंग, मैं वेट कर रहा था कि वो अटैक करे, मुझे इसे शील्ड नहीं करना था क्योंकि मैं जस्ट फार्म कर रहा था, वेदर बॉल उन्होंने यूज़ किया जो कि बिल्कुल भी कुछ काम नहीं आया हमारे ऊपर,
जैसे उन्होंने स्लो नेक्स्ट लिख दिया, हमने अपना स्काई अटैक फिर से यूज़ किया एटलीस्ट फॉर शील्ड, उन्होंने वॉट शील्ड किया नहीं इसे। फिर हमने फिर से एक स्काई अटैक दिया, हम इस बार सोच रहे थे प्लीज इसे सील कर दे, और उन्होंने इसे सील कर लिया। चलो अब हम सील्ड एडवांटेज में हैं अटैक, बट इसे मैं अभी सील नहीं करूँगा, काफ़ी अच्छा काम करके जा चुका था अल्टारिया ने। ऑलमोस्ट दोनों जा चुके हैं, एक एचपी पे है स्नोलैक्स हमारा। हमने फिर अपना विगरोथ को लाया और ग्लाजी कैन, ये एक काफ़ी ऑड सिचुएशन होता हमारे विक्टरवेल के लिए, तो मैंने सोचा इसे यहाँ पे जितना यूज़ कर सकूँ विगरोथ को यहीं पे यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि अगर ये विक्टरवेल के सामने आ गया तो भाई हमें गुड बाय कहना पड़ सकता है। काफ़ी डैमेज कर चुका था जब तक उसका पहला ब्लेज किक आया, हमने इसे शील्ड किया और विगरोथ, याद रखे हमारे के पास अभी भी एक बॉडी स्लैम स्टैक्ट है। फिर से एक हमारे पास ब्लेज किक आया तो इसे मैंने शील्ड नहीं किया, मुझे पता था कि ये हमारे शील्ड एक काम आ सकता है विगरोथ के सामने, फिर विगरोथ ने तो इसे अकेले ही मार लिया। देखा आपने कितना टैंकी था विक्टरवेल ग्रेट लीग में, आप यूज़ कर सकते हैं इसे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय।